हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, उस देश की बात ही कुछ और है साहब। दुनिया का वो देश जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, एक ऐसा देश जहां हर काम को करने के लिए मशीन है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां 10 साल की उम्र तक बच्चे चाहे तो पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही यहां बच्चे रखते हैं साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान। आपको बता दें कि पहली बार न्यूक्लियर अटैक इसी देश पर हुआ था और इस देश के पास हवा से भी तेज दौड़ती बुलेट ट्रेन। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक, जापान की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं खूबसूरत देश जापान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जापान एक अद्भुत देश है जो हर रोज अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर जापान की बात करें तो ये देश एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है और ये चार बड़े और लगभग 6849 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश। इस देश में सिर्फ 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानी हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज और जापानीज भाषा के अलावा रुगुवान द्वीपों में ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में रुगुवान भाषाएं बोली जाती है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज्यादा कर्मठ है। यहाँ हर कोई सिर्फ काम ही करना चाहता है और यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। देश की लिटरेसी रेट है 99%। जापान में सब कुछ है। यहाँ के कर्डल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स, बुलेट ट्रेन, यहाँ के लोग और यहाँ की परंपराएं, तभी तो जापान को माना जाता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जापान की राजधानी शहर है टोक्यो और साथ ही टोक्यो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। टोक्यो को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिटन शहर माना जाता है। इस शहर की कुल आबादी है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। यहाँ के रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। जापान में घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका साइज एक बेडरूम जितना होता है। जी हाँ, यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है। टोक्यो का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है और इस स्टेशन पर हर दिन 3 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। और जिन लोगों को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है, उनका काम होता है इस भीड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। यही वजह है कि शिंजुकू रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो जापान का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस देश के पास है बुलेट ट्रेन। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार है 320 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये ट्रेन बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ती है। टोक्यो का स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। जापान की एक बात जो कि बहुत अच्छी, लोग समय के साथ पाबंदी होते हैं। जापान की एक बात और जो कि बहुत अच्छी है कि लोग समय के काफी पाबंदी होते हैं। इतने ज्यादा कि एक बार जापान में ड्राइवर के टॉयलेट जाने के कारण बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद पूरे जापान सिस्टम में खलबली मच गई और हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च में जुट गया। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। दोस्तों, जापान से जुड़े कई और रोचक बातें हैं, जैसे जापान के लोगों को जिंदगी जीने का काफी ज्यादा शौक होता है। मतलब कि इस देश के लोगों को लाइफ के मजे लेना है सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है मानो जापान के लोगों को दीर्घायु का वरदान मिला हो। साथ ही यहाँ के लोग रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तभी तो इस देश में 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबो लॉ कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों काम कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है यहाँ की सर्विसेज। दरअसल जापान में जिस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ की सरकार अपने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भी रखती है। जापान में कर्डल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है जो अपने देश के लोगों की थकान मिटाने का काम करता है। देश में आपको कई जगहों पर कर्डल कैफे देखने को मिलेंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कर्डल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। ये कर्डल कैफे सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि टूरिस्ट भी इन कर्डल कैफेज का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कर्डल कैफे की बात। यहाँ तो ऑफिस में भी काम करने वाले लोगों को सोने के लिए अलग से समय दिया जाता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का फल है।
जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने के लिए कहा जाता है और इस प्रोसेस का नाम इनेमुरी है। तभी तो इस देश में रहने वाले लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप यहां काम करना चाहते हैं तो यहां की कुछ कंपनियों में ऐसा नियम है जिसके तहत जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते उन्हें कंपनी 6 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी दी जाती है। जापान के लोग कुछ अंधविश्वास को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ चलते हुए खाना सबसे अशुभ माना जाता है और पब्लिक प्लेसेस पर जोर जोर से बातें करना या किसी भी चीज को सूंघना भी जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 2 लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस देश में बिल्लियों को पालना सबसे शुभ माना जाता है। तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या है सबसे ज्यादा। इस देश में आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाएगी। काली बिल्ली के बारे में जापानी लोगों का मानना है कि ये उनके लिए एक अच्छा भाग्य लेकर आती है। एक जमाने में यहाँ टेढ़े दांत रखना भी एक परंपरा का हिस्सा था जो कि अब इस देश में एक ट्रेंड बन चुका है। यहाँ लड़कियाँ और औरतें अपने सीधे दांतों को टेढ़ा दिखाने में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं। इसे अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर लड़कियाँ अपने दांतों को टेढ़ा बना लेती हैं। जापान में अगर लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अलग से तकिये बनाए गए हैं। ऐसा तकिया जो लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये तकिया महिला के शरीर और पुरुष के शरीर के आकार के जैसा होता है जिन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ कुत्तों को घर में रखने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस द्वीप पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं और यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से ज्यादा है। इस आइलैंड का नाम है आओशिमा आइलैंड। जापान की खासियत है यहाँ की वेंडिंग मशीन। लोगों की लाइफ को और भी इजी बनाने के लिए जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों के लिए लगाई गई है। इन वेंडिंग मशीनों को रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक हो या अंडरगार्मेंट्स। जी हाँ, आपको बस इस वेंडिंग मशीन में बस एक कॉइन डालना होता है और आपको पलक झपकते ही आपकी जरूरत का सामान मिल जाएगा। जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपराएं हैं इस देश की सबसे बड़ी पहचान। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ सर झुकाकर ही यहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट किया जाता है। जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। इस देश के लोग सिर्फ जापानियों के लिए ही ये सम्मान नहीं दिखाते बल्कि दूसरे देशों से आए लोगों का भी यहाँ इसी तरह से आदर सत्कार किया जाता है। जापान की परंपरा यहाँ के बच्चे भी काफी फॉलो करते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करने पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। स्कूलों की सफाई करने में यहाँ के बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होती। जापान में इस परंपरा को ओ सोची कहा जाता है। इस परंपरा के तहत पहले क्लास के स्टूडेंट्स हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर लंच सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते होते हैं और साल में कई बार वे स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ये हैबिट स्टूडेंट्स को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। शायद यही वजह हो सकती है यहाँ की सरकार अपने देश के बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है और माफी मांगने का भी इस देश में है सबसे अलग तरीका। जी हाँ, जापान देश के लोग 20 अलग अलग तरीकों से माफी मांगते हैं। जापान देश खाने का काफी ज्यादा शौकीन है। इस देश में फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं और कई होटल्स हैं जहाँ एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेस खाने को मिलती हैं। जापानीज और चाइनीज खाना जापान में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ की ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन पसंद करने वालों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजीब है। अगर आपको खाने में एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम को जरूर ट्राई कर सकते हैं जो जापान में आपको हर जगह खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा जापान के लोगों के बीच चावल काफी पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही फिश इस देश की सबसे प्रसिद्ध डिश मानी जाती है। जापान में किटकैट चॉकलेट भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इस देश में इस चॉकलेट के सबसे ज्यादा 40 अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। मजेदार बात यह है कि किटकैट को इस देश में कहा जाता है कीटो काटो। दोस्तों, इस बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु बम से जापान पर 2 बार हमला किया गया था। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर
6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। वैसे अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कानून के बारे में जान लें। जापान में गाड़ी तेज चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ आप भूलकर भी गाड़ी तेज नहीं चला सकते। इस देश में जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ की पुलिस लोगों को सीधा गोली मार देती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और जापान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको जापान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, जापान की करेंसी है जापानीज येन, जिसकी वैल्यू लगभग 0.70 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश जापान। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।